आज हम सीखेंगे जेसन एपीआई कैसे बनाते हैं पीएचपी में। एक नॉर्मल जेसन एपीआई बनाएंगे जिसमें हम एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रिट्रीव करेंगे, तो देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए मैं सब कुछ ऑनलाइन अपने सर्वर पे करने जा रहा हूँ। सो मैं अपना होस्टिंगर सर्वर ऑन करता हूँ। बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइएगा, बहुत इजी है इसको बनाना। थोड़ा सा पीएचपी का नॉलेज होना चाहिए, जैसे वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, एसोसिएटिव एरे कैसे यूज़ करते हैं, बस इतना ही। आप लोग जो भी मैं प्रोसेस कर रहा हूँ ये अपने लोकल होस्ट पे भी कर सकते हैं। सो मैं लॉग इन कर चुका हूँ एंड मेरे पास एक सर्वर है marketingdukan.com। मैं यहाँ पे एक सब डोमेन बनाने जा रहा हूँ। मैंने एक सब डोमेन क्रिएट कर लिया है, ओके, एंड नाउ आई विल एंटर इन फाइल मैनेजर। पब्लिक एचटीएमएल में आप देख सकते हैं बहुत सारा लिस्टिंग है यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का। मैंने जो सबडोमेन बनाया वो है मुकुंद। अगर अभी आप ओपन करेंगे mukund.marketingdukan.com तो वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पेज आपको दिखेगा, ये डिफ़ॉल्ट पेज। मैं इस डिफ़ॉल्ट पेज को रिमूव करता हूँ, डिलीट करता हूँ। अभी आप रिफ्रेश करेंगे इस पेज को तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब मैं फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, जेसन एपीआई, ठीक है। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, बस एक्सटेंशन जो है डॉट पीएचपी आपको रखना है। सो मैंने क्रिएट कर दिया इस फाइल को। अभी आप ओपन करेंगे तो एक फाइल यहाँ पर मिलेगा आपको, ये। और इस फाइल के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, सो यू विल नॉट गेट एनी आउटपुट, ये आपका ब्लैंक है। सो पीएचपी स्टार्ट करते हैं। तो पीएचपी कैसे स्टार्ट करते हैं, सिंटैक्स है इसका, ये सिंटैक्स है। इसके अंदर जो भी आप कोड लिखेंगे वो पीएचपी कंपाइल करेगा। सो सबसे पहले मैं एक एरे, एसोसिएटिव एरे क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट एरे इज इक्वल टू एरे। सिंटैक्स यही होता है एसोसिएटिव एरे का। यहाँ पे की का नाम देते हैं, एरो साइन है, एंड जो भी वैल्यू आपको इस की पे असाइन करना है। सो मैंने आईडी दे दिया, लेट्स से वन। एक और की क्रिएट करता हूँ, स्टूडेंट का नाम हो गया, और इस पे दे देता हूँ मैं अपना नाम दे देता हूँ, ओके। एंड एक डेट वेरिएबल लेता हूँ मैं, डेट। डेट जो रहेगा वो आज का डेट रहेगा, मतलब आप कभी भी ओपन करेंगे इस वेबसाइट को, इस फाइल को, तो उसका डेट दिखता रहेगा। सो उसके लिए जो फंक्शन आपको पता ही होगा डेट है, करेक्ट ना, ये एरे है। अब मेरे को इस एरे को कन्वर्ट करना है जेसन में। सो ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जेसन इनकोड, जेसन इनकोड। इसके अंदर आप जो भी एरे है आपका, जो भी वेरिएबल है, आप उसको पास कर दो। सो मैं पास कर रहा हूँ, ये मेरा स्टूडेंट एरे है, ये मैंने पास कर दिया। नाउ सेव इट एंड आप रिफ्रेश करेंगे सो आपको ये मिल रहा है। ये पूरा का पूरा जेसन फॉर्मेट है। आपको चेक करना है कि ये जो डेटा आ रहा है, ये जो आउटपुट आ रहा है, ये जेसन में है या नहीं है। तो आप जेसन वैलिडेट यूज़ कर सकते हैं, जेसन वैलिडेटर, ओके। जेसन लिंट पे मैं जा रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू वैलिडेट एंड इट्स वैलिड जेसन, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो नॉर्मल जेसन एपीआई।
जैसे आपको लॉगिन का एपीआई क्रिएट करना है, साइनअप का एपीआई क्रिएट करना है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल बताया है कि कैसे जैसे एपीआई बना सकते हैं, ठीक है। एक एरे बनाना है, एरे में वैल्यूज़ की एन पेयर, की एन वैल्यूज़ के पेयर में डालना है और उसको जेसन इनकोड के अंदर पास करना है, ठीक है। इससे आपका जेसन एपीआई रेडी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए आपके पास जेसन डेटा है ऑलरेडी, तो आप उसको कैसे डिकोड कर पाएंगे? तो कुछ नहीं है, बस ये जैसे जेसन इनकोड है वैसे ही जेसन डिकोड हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं ये जो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके। एंड एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ जो कि मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, व्हाट इज दैट हाँ, जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट है एक रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे आ रहा है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक एरे भी बनाना है, जैसे कोर्स, इस स्टूडेंट ने कितने कोर्सेज ऑब्टेंड कर रखे हैं वो भी दिखाना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने एक एरे यहाँ पे क्रिएट किया है वैसे ही यहाँ पे एक और एरे क्रिएट कर दीजिए, इसके अंदर ही कोर्स की बना के, तो वो मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं जेसन एपीआई विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स भी नहीं लगा और आपने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।